ओके, हमने लास्ट वाली फाइल में हम लोग ने लिस्ट को अपडेट डॉट अपेंड डॉट पॉप डॉट रिमूव पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग इधर देखेंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट के कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ लिस्ट के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं हमारे, आपको इस सेंटेंस से समझ आ रहा होगा। लिस्ट के अंदर बहुत सारी लिस्ट होंगी, ठीक है। ऐसा ही है, मैंने आपको ये बताया था कि लिस्ट हेटरोजीनियस डेटा टाइप है, ठीक है। हेटरोजीनियस डेटा टाइप का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा लिस्ट होल्ड कर सकती है, सही। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी लिस्ट, कौन कौन से डेटा टाइप्स पढ़े हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और लिस्ट। तो लिस्ट ये चारों डेटा टाइप्स होल्ड कर सकती हैं। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, इधर मैंने एक वैल्यू डाली, ठीक है, वैल्यू, और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक फ्लोट एक इंटीजर वैल्यू डाली, एक फ्लोट वैल्यू डाली, एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली, ठीक है। और इसके बाद मैंने कॉमा के बाद एक और लिस्ट डाल दी, ठीक है। इसके अंदर ही ए भी एक वैल्यू है, और उस वैल्यू की डेटा टाइप क्या है, लिस्ट। इस वैल्यू की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, इसकी फ्लोट, इसकी स्ट्रिंग, और इसके अंदर ही मैंने एक और लिस्ट बनाई, तो इसकी भी हमारे पास, इसकी इसके अंदर भी हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये रन कर दिया मैंने, अब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो वैल्यू मेरे पास कुछ ऐसे आ रही है। अगर मैं इंडेक्स नंबर लिखूँ यहाँ पर 0, तो इसने मुझे 0 वाली वैल्यू बता दी जो 12 थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ -1, ठीक है। अब -1 तक वो इस वाली वैल्यू पे गया, और इस ये वाली वैल्यू हमारे पास लिस्ट है, तो इस लिस्ट के अंदर और इंडेक्सिंग हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। अब ये -1 तक तो मेरे पास ये इस वैल्यू तक गया, ठीक है। अब इसके अंदर जाना है, और तो इसके बाद एक और इंडेक्सिंग लगा देंगे हम लोग। और मैंने यहाँ पे लिखा 0, तो 0 पे क्या है मेरे पास, अली, तो ये मुझे अली ला के दे देगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे देखो कि मैंने employee1 की जो लिस्ट बनाई थी ऊपर, जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था, तो वो देखो ये रही पूरी लिस्ट, ठीक है। और अली की ये रही लिस्ट, ठीक है, अलीज़ा की ये रही, और आयशा की लिस्ट ये रही, ठीक है। तो मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो मतलब एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट हैं, ठीक है। कैसे, अब देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है एम्प्लॉइज़, ठीक है। अब देखो हमारे जो कंपनी है उसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉइज़ नहीं है, ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं, जो कोई बाहर का स्टाफ है, कोई सेल्समैन है, या कुछ ऐसे है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या था, मैंने बात करी थी पहले, हम लोग ऊपर बात की 300 एम्प्लॉइज़ थे, हम लोग लिस्ट की मदद से क्या कर रहे थे, 300 वेरिएबल्स बना रहे थे, ऐसा ही है। लेकिन लिस्ट ऑफ लिस्ट की मदद से हम लोग एक ही वेरिएबल बनाएंगे, और वो सारे एम्प्लॉइज़ उस वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। मतलब सारे एम्प्लॉइज़ का डाटा उस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग एम्प्लॉय का वेरिएबल अलग बना सकते हैं, इससे पता चलेगा कि एम्प्लॉय का वेरिएबल है, तो ये सारे इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के डेटा है। और जो बाहर के जो मतलब सेल्समैन है, उस सेल्समैन का वेरिएबल बनाया और सारे सेल्समैन का डेटा उसमें रख दिया, तो इसका मतलब क्या कि हमारे पास हर चीज़ अलग अलग मैनर वे में हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बनाया एक लिस्ट बनाई, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाई, ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर मैंने समझो ये वाली वैल्यूज़ डाल दी जो मैंने यहाँ पे दानियल डाला है, ठीक है, ये पूरी की पूरी मैंने वैल्यू यहाँ पर डाल दी, तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट वाली दी, और ये एक पूरी वैल्यू है, इसका मतलब इस लिस्ट के बाद जो आउटर लिस्ट है उसके लिहाज से हमारे पास ये एक पूरी एक वैल्यू है आउटर लिस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमा दिया, अब मैं ये वाली जो मैंने एम्प्लॉय टू की जो लिस्ट बनाई है, ये मैं यहाँ पर कॉल भी तो करा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय टू को यहाँ पर कॉल करा लिया, और इसी तरीके से एम्प्लॉय थ्री को भी करा लिया, इसी तरीके से एम्प्लॉय फोर को भी करा लिया। मतलब ये जो सारी लिस्ट थी वो मेरे पास यहाँ पर कॉल हो गई, ये भी लिस्ट है, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, और अब मैं ज़रा एम्प्लॉय को, मैं एम्प्लॉयज़ कर देता हूँ इसको, ठीक है, एम्प्लॉयज़ दोबारा मैंने एस लगा के दोबारा रन किया, ठीक है उसे, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट आ रही है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरी लिस्ट आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास तीसरी आ रही है, और यहाँ पर एक चौथी लिस्ट आ रही है,
ठीक है, ये ऐसे ही हमारे पास लिस्ट है। अच्छा, मैं इस लिस्ट ऑफ लिस्ट से पहले मैं एक और चीज़ बात बताता चलूँ। यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉयज़, ठीक है ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको रन करता हूँ मैं, तो ये देखो ये भी प्रिंट कर रहा है और ये भी प्रिंट कर रहा है, लेकिन देखो थोड़ा थोड़ा सा क्या नाम है, प्रिंट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज है। तो मैं एक बात बताता चलूँ कि जुपिटर की जो आखिरी लाइन होती है ना, अगर वो प्रिंट हो सकती है तो जुपिटर उसको प्रिंट करवा देता है, ठीक है, लेकिन आखिरी लाइन होनी चाहिए। अब देखो इस सेल में तो एक ही लाइन है, पहली और आखिरी एक ही है, और एम्प्लॉयज़ प्रिंट हो सकता है तो उसने वो प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने देखा 2+2 और एंटर 4+6, तो मुझे क्या वैल्यू देगा ये? ये मुझे वैल्यू देगा सिर्फ 10। इसने 2+2 भी किया है और इसने 4+6 भी किया है, लेकिन वो वैल्यू सिर्फ उसकी प्रिंट करा के दे रहा है जो आखिरी रो में थी, ठीक है, 4+6। और अगर इससे पहले वाले को करवाना हो तो इसको हम लोग प्रिंट में करा देंगे, तो ये ऐसे भी प्रिंट हो जाएगा। ये बात याद रखेगा, जो जुपिटर की आखिरी लाइन होती है वो अगर प्रिंट हो सकती है तो वो प्रिंट करवा देता है जुपिटर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ लिख के इसको प्रिंट करवा दिया। देखो मैंने प्रिंट का फंक्शन यूज़ नहीं किया, उसने जुपिटर की आखिरी लाइन थी इस सेल की तो उसने वैसे ही इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मुझे बात बताओ कि मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि ये दानियल, ठीक है, ये दानियल है, इसको फैच करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या, ये जो एम्प्लॉयज़ है ये मेरे पास लिस्ट है, ये री लिस्ट, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और इस लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं? एक वैल्यू ये है, ये पूरी एक वैल्यू है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और आखिरी वैल्यू ये है, ठीक है। मैं दानियल वाली वैल्यू को, मतलब ये वाली लिस्ट को मैं फैच करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, एम्प्लॉयज़, ठीक है, और यहाँ पर ज़ीरो, और ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो मेरे पास यहाँ पे फैच होकर आ जाएगी। अब देखो मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट हो गई फैच होकर आ गई, क्योंकि ये ज़ीरो इंडेक्स पे मौजूद थी, ये ज़ीरो इंडेक्स पे मौजूद थी पूरी की पूरी लिस्ट, और ये वन इंडेक्स पे मौजूद है क्योंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट है ना, और ये 2 पे और ये 3 पे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे दानियल को फैच करना है, ठीक है, दानियल को भी फैच करना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूंगा दानियल किस पे, यहाँ तक तो मेरे पास इस लिस्ट पे आया, इसके बाद मुझे एक और इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी इस दानियल के लिए, और ये दानियल कौन से इंडेक्स नंबर पे, 0 पे, तो मेरे पास 0 पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉयज़ -1, ठीक है, -1 पे आयशा का डाटा है, ठीक है, इस आयशा के डाटा में मुझे सिर्फ इसकी सैलरी चाहिए, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा 1, ठीक है, 0 1, मैंने पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर ली, तो मेरे पास यहाँ पे उसकी सैलरी आ गई, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फॉर लूप की, सही। अब ये फॉर लूप क्या है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे मार्क डाउन कर देता हूँ फॉर लूप, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दोबारा एम्प्लॉयज़ लिखा, ये सारा हमारे पास, ये पूरा का पूरा डाटा उठ के हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो एक लूप, इससे पहले, इस लिस्ट से पहले मैं आपको वैसे ही एक लूप चलाना सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, ठीक, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दो अपने मर्जी से, ये सही है, ये टेम्परेरी वेरिएबल होता है, ये जब तक वेरिएबल बना रहेगा जब तक ये लूप चलता रहेगा, जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो ये वेरिएबल भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया डेटा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इन, सही, एक डेटा एक वेरिएबल बनाया और इन, और मैंने यहाँ पे एक रेंज का फंक्शन डाला, सही। अब ये रेंज का फंक्शन क्या होता है, अब देखो, अब ये रेंज बताता है कि मुझे क्या चीज़ कहाँ से लेके कहाँ तक करनी है, ठीक है। तो मैंने बताया कि मुझे 0 से लेके 10 तक की वैल्यू चाहिए, ठीक है, लेकिन ये 10 तक नहीं चलता, आखिरी वैल्यू नहीं चलाएगा, ये आखिरी वाली वैल्यू डिसोन कर देगा, ये 0 से 9 तक चलेगी, ठीक है। और उसके बाद होता है स्टेप्स, ठीक है, अब वो कितने स्टेप, अब 0 के बाद वो एक स्टेप आगे जाए या 2 स्टेप आगे जाए, अगर एक स्टेप आगे जाना चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, अब ये 0 के बाद 1 पे आएगा,
फिर 1 हो जाएगा तो 2 पे आएगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9 तक जाएगा, 10 तक नहीं जाएगा, आखिरी वाली वैल्यू वो रन नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद मुझे देना होता है यहाँ पे कॉलन, ठीक है। और कॉलन के बाद जब आप एंटर मारोगे ना, तो यहाँ पे जुपिटर खुद ब खुद आपको इंडेंट दे देता है। पाइथन में इंडेंट का बहुत ख्याल रखेगा, इस इंडेंट की मदद से पता चलता है कि ये फॉर लूप के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे कि इंडेंट जो होते हैं ना, हमारे पास एक स्पेस का इंडेंट पाइथन बोलता है, लेकिन एफिशिएंट तरीका क्या है जो दुनिया यूज़ करती है, वो टैब स्पेस, मतलब 4 स्पेसेस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया डेटा को। मैंने डेटा को क्यों प्रिंट करवाया, ये बात आ रही होगी आपके दिमाग में। वजह यह है कि रेंज क्या कर रहा है, रेंज एक एक वैल्यू उठा के डेटा को दे रहा है। अब वो डेटा में एक वैल्यू उठा के दे रहा है, पहले 0 वाली वैल्यू डेटा में उठा के दी, अब इस डेटा के अंदर +1 करना है, या इस डेटा को प्रिंट करवाना है, इसमें माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है इस डेटा को, ये अब डेटा के ऊपर है, अब रेंज पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। रेंज ने तो एक वैल्यू उठा के दे दी डेटा को, अब उस डेटा को मैंने प्रिंट करवा लिया, अब ये लूप चलता रहेगा। देखो 0 to 9 ये लूप चल गया। अब मैंने यहाँ पे स्टेप डिफाइन किए हुए थे 1, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, तो ये 2 2, मतलब 0 के बाद वो कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, और 10th पे इसलिए नहीं गया क्योंकि वो 10th तक नहीं चलता। और अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग भी लिख दूँ, मैं बोल दूँ 4 से स्टार्ट करो, तो ये देखो ये अब 4 से स्टार्ट होगा। और मैं कहता हूँ एंड ये करो तुम 20 पे, तो ये देखो ये 20 पे एंड होगा। 20 वाली वैल्यू इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो डिसोन कर देता है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ वाला डाटा है, अब मुझे यही डाटा मुझे इसके थ्रू चलाना है, सही। कैसे चलाएंगे ज़रा देखते हैं, ठीक है। इसी लूप को मैं अपडेट करता हूँ। देखो मेरे पास कितने इंडेक्स नंबर हैं एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। देखो 0, ये 0 पे मौजूद है, 0, 1, 2 और ये 3, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो रेंज स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 से होगी, बिल्कुल 0 से। और ये कहाँ तक चलता है, 0, 1, 2, 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं 4, सही। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे कितने स्टेप्स बढ़ाने हैं, 0, 1, 2, 3 ना, तो 1 1 स्टेप बढ़ाने हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1 लिखूँगा, सही। अब ये क्या करेगा, ये अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये डेटा को, अगर मैं इस डेटा को हटा के यहाँ पे दे दूँ, डेटा ही रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ एम्प्लॉयज़, अब क्या कर रहा है, और यहाँ पे मैंने डेटा कॉल करा लिया। अब रेंज 0 किसको दे रहा है, डेटा को, और डेटा किधर कॉल हो रहा है, एम्प्लॉयज़ 0 पे, मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास कॉल हो जाएगी, यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू लिस्ट हमारे पास यहाँ पे कॉल हो जाएगी। फिर दोबारा लूप चलेगा, अब 0 से ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब 1 डेटा के अंदर 1 आ गया, अब वो 1 वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर ऐसे ही 2 वाली करेगा, फिर 3 वाली करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसने चारों की चारों वैल्यू इसने प्रिंट करवा दी, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप करवाइए, ठीक है। अब देख रहे हो कैसे करवाइए, कि जब मेरे पास यहाँ पे पहली वैल्यू थी, यहाँ पर देखो ये तो मैंने एम्प्लॉयज़ लिखा, ये पूरा का पूरा मुझे एक पूरा का पूरी वैल्यू उठा के दे दी, देख रहे हो यहाँ पे कॉमा भी दिया हुआ है, ये पूरी की पूरी सारी पूरा का डाटा उठा के, पूरा डाटा उठा के दे दिया। और यहाँ पे क्या किया किया गया है, यहाँ पर एक एक लिस्ट दे के उसको प्रिंट कराया गया, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले एक लिस्ट आई, सही, इधर फैच हुई, उसने उसको प्रिंट किया, फिर उसके बाद इसको प्रिंट किया, उसके बाद इसको प्रिंट किया, उसके बाद इसको प्रिंट किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कि अब मुझे सिर्फ इसके नेम चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉयज़, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा 0, और यहाँ 0 लिखा तो मेरे पास यहाँ पे दानियल आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 0 लिखा दोबारा तो मेरे पास यहाँ पे उसका नेम आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने ये इंडेक्सिंग करी है वो तो मेरा ये डाटा पूरा कर रहा है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट डाटा मेरे पास पूरी कवर कर रहा है। उसके बाद मैं एक और इंडेक्सिंग दे रहा हूँ आगे, जिसमें डालूंगा 0, क्योंकि 0 पे मेरे पास नेम है, यहाँ पे भी 0 पे नेम है, अली पे भी नेम है,
और अलीज़ा भी नेम है और आयशा भी नेम है, और ये कौन से इंडेक्स पे है, सब ज़ीरो पे। तो ये देख रहे हो सारे के सारे मेरे पास नेम्स आ गए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात आती है ये कि मैं यहाँ पर दोबारा मैं इसको ये कर रहा हूँ, अब मुझे सिर्फ ये क्या चाहिए, मुझे सिर्फ जेंडर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जेंडर देखूँ, देखो 0 1 2 3 सही है, इस पे 3 पर है, 0 1 2 3 3 पर है। अब 0 1 2 ये 2 पर है जेंडर, और 0 1 2 यहाँ पे 2 पर है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पे मेल मेल दिया, और यहाँ पे बताते हैं लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि इस दो जो हमारे पास ये जो दो लिस्ट हैं इसके अंदर 3 इंडेक्स नंबर की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अब क्या करें? अब मैंने आपको एक बात बोली थी पहले स्टार्टिंग में, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कंडीशन आ जाती हैं जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग लग रही होती है या नेगेटिव लग रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बन गई है कि अगर मुझे इन सारी लिस्ट में से सिर्फ जेंडर को फेच करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा -1। ठीक है, तो अब मैंने इसको रन किया तो देख रहे हो अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ क्या आ रही है, मेरे पास सिर्फ जेंडर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक तरीका तो मेरे पास ये है, ठीक है, क्या करने का, इसको लूप लगाने का। मेरे पास एक और तरीका है, ये रेंज, ये हमारे पास रेंज की से था, और एक और तरीका है मेरे पास लूप लगाने का, वो भी देख लेते हैं। फॉर आई, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे ड्रॉ लिख देता हूँ, फॉर रॉ इन, ये जो आपको मैं डिफरेंट फ्लेवर इसलिए दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा फॉर रॉ इन, अब मैं यहाँ पे रेंज ही नहीं लिख कर लगा रहा। ठीक है, अब मैं किस पे लूप लगा रहा हूँ, इस एम्प्लॉयज़ पे लगा रहा हूँ, ये एम्प्लॉयज़ वाला जो वेरिएबल है इसी पे लूप लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अब कर ये रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ में अब क्या करेगा, रॉ आएगा सबसे पहले एम्प्लॉयज़ के पास। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ से पूछेगा कि तुम्हारे पास कोई वैल्यू है, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल है वैल्यू, तो वो अपनी पहली वैल्यू उठा के रॉ को दे देगा। ठीक है, अब वो वैल्यू रॉ में आ गई है इस लूप के लिए, वो वैल्यू रॉ में आ गई है। ठीक है, अब वो एम्प्लॉयज़ के पास नहीं है, एम्प्लॉयज़ उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं इस लूप में मैं मुझे किसे कॉल कराना पड़ेगा, रॉ को, क्योंकि वो वैल्यू उठा के उसने रॉ को दे दिया। अब उसके अंदर वैल्यू अपडेट करवानी है या डिलीट करवानी है या रिमूव करवानी है तो वो रॉ ही कर सकता है, एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकता। सही है, अब उसने क्या किया, पहली वैल्यू उठा के उसने रॉ को दे दी, अब वो मैंने प्रिंट करवा दी। अब एक दफ़ा वो प्रिंट हो गया, वो दोबारा गया, अब वो दोबारा गया एम्प्लॉय के पास और बोला कि तुम्हारे पास और कोई वैल्यूज़ हैं, उसने बोला हाँ बिल्कुल है, तो फिर उसने वो वाली वैल्यू भी उठा के रॉ को दे दी, फिर उसने प्रिंट कराया, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक वैल्यूज़ रहेंगी। जब बिल्कुल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएगी फिर आया रॉ, दोबारा एम्प्लॉयज़ के पास आया, उसने बोला वैल्यू नहीं है मेरे पास, अब एम्प्लॉयज़ बोलेगा मेरे पास वैल्यू नहीं है, सारी ख़त्म हो गई है, मैंने तुम्हें सारी वैल्यूज़ दे दी हैं। तो अब वो क्या करेगा, वो लूप ख़त्म कर देगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लूप चलाया तो ये देख रहे हो रॉ ने सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट कर दी। कैसे करी, एम्प्लॉयज़ ने सारी, पहले आया एम्प्लॉयज़, रॉ एम्प्लॉयज़ के पास आया, एम्प्लॉयज़ ने वैल्यू रॉ को दी, रॉ ने यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दिया। अब इसके अंदर अपडेट डिलीट कुछ भी करना है वो रॉ कर सकता है। ठीक है, और डाटा फेच भी करना है तो रॉ कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे इस इंडेक्स पे हमारे पास मेल किस पे है, मतलब इस वैल्यू, इस लिस्ट में मेल हमारे पास -1 पर है, तो मैंने यहाँ पे -1 लिखा, तो देखो सब पे -1 -1 -1 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास रन हो गया। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी तो मुझे बताएगा। ठीक है, और अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा अभी, आप प्रैक्टिस करोगे, मैं बता रहा हूँ क्लियर हो जाएगी बात। सही है, आप जब हैंड्स ऑन हो गए तो सारी बातें क्लियर होती रहती है। मैं आपको 60 से 70% क्लियर कर सकता हूँ, उसकी कहानी, उसके बाद की कहानी आपको खुद करनी होती है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।